उस एसपी को भगाइए नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई क्या करेंगे, मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो। उपद्रव मचाया गया है, क्या कारण लगता है एक लड़की के का शव जो बरामद हुआ, पुलिस की कहाँ पर नाकामी इसमें नजर आ रही है। देखिए भाई लड़की के साथ तो उसके साथ छेड़छाड़ तो करता ही था और ब्राह्मण समाज में दूध देने के लिए जाती थी। अब लड़की की औरत है हम ये नहीं कर सकते, हम देखो नहीं कि हम गए भी नहीं। वो हुआ जब हुआ उस टाइप का आवेदन देने के लिए थाना गया रंगरा थाना, तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया। अगर आवेदन ले लेता और कह रहा है कि हत्या हो गई है उसको खोजिए, और एकदम जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए गया उसके घर पर नहीं पुलिस गई छानबीन करने के लिए, कुछ नहीं नज़रअंदाज किया, केस ही नहीं लिया। और कहाँ से हमारी सरकार हो जो भी हो पुलिस हो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा सब दरोगा आया है बात करने का तरीके नहीं है। पुलिस वाहन को फूंक दिया गया, पुलिस वाहन को फूंक दिया, लोग तो रिएक्शन में होता है। पुलिस वाहन को क्यों फूंका गया, कारण क्या है कि जब से पूरन झा पूरन कुमार झा एक सुशांत सरोज ननिहाल था पुनामा में, पढ़े लिखे यहीं तुलसीपुर हाई स्कूल में सब कुछ किए, उनको दे दिया तो बहुत समझाने के बाद उसे सुधार आया। ये पूरन झा इसका ननिहाल है भमरपुर में, ये बहका हुआ दरोगा है एसपी, ये भागलपुर में रह चुका है, भागलपुर में रह चुका है यहाँ से, और उसके बाद सारी कहानी को जानते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्होंने भट्ठा का इंक्वायरी करना, थाना का इंक्वायरी करना तो करना ही चाहिए, दुकान सब पर जाना सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। किसकी लापरवाही नज़र आ रही है, लापरवाही नज़र तो हम क्या कहें पुलिस महकमे का, हमारा डीजीपी फेल है। भट्टी साहब को लाया गया इसलिए पुलिस पर नकेल साधेगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 साल तक बढ़िया से सरकार चली, पुलिस का अत्याचार नहीं था, ब्लॉक का अत्याचार नहीं था, 7 साल के बाद ऐसा कहानी हुआ। बगैर पैसा लिए एफआईआर करता ही नहीं है, यही 5,000 रुपया दरोगा को देता जमदार को तो एफआईआर ले लेता। कारण क्या है, ये पूरन कुमार झा जो आए हैं ना इन्होंने शील्ड बांटने का किया, क्या जरूरत था भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं कोई है उनसे भी शील्ड बांटना चाहिए। ये पुलिस एसडीओ से क्यों शील्ड बंटवाते हैं, ये होता कौन, आज है चला जाएगा, इसके जाने से रंगरा जाने से वो लफंगे लड़के का या ब्राह्मण समाज का मन बढ़ा। ये लालू राबड़ी समय काल में सामूहिक बलात्कार दियारा में नहीं हुआ है, होता होगा पटना में होता होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं। ये पूरन कुमार झा के बदौलत हम मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले, ये एसपी को मैं बैकवर्ड एसपी मांगे हैं ब्राह्मण को मत दीजिए, आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया। कारण है पूरन झा है इसलिए दरोगा एफआईआर नहीं लेगा, हमारी पत्नी हमारी बेटी गुम है एफआईआर नहीं लेगा, एफआईआर ले लेता तो घटना नहीं घटती, सारा सर दोषी है पूरन कुमार झा एसपी नवगछिया का। सन में किया उसके बाद नवगछिया एसपी का बयान सामने आया कि अब उस पर कार्रवाई की जाएगी, अब क्या कार्रवाई होगा भाई, दुनिया देख लिया अति पिछड़ा महिला के साथ अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है उसके बल पर सरकार बनाती है, अति पिछड़ा के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं, अति पिछड़ा का बलात्कार करके कंठ दबा के मार दिया, अब क्या रहा, क्या कार्रवाई करेगा एसपी। तो सर ये कहना है कि जिस समय की राजद के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार का उस समय जंगल राज था, घटनाएं होती थी तो जंगल राज था, अब अभी इनके साथ रहकर घटना हो रही है तो क्या कहेंगे, जंगल राज तो नहीं कह सकते हैं, उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ नहीं था यहाँ बंजर था, इसको हर विभाग में हर चीज़ में देखिए चांद लगाया।
बीजेपी वाले कहते थे कि जंगल राज है उस समय, अब क्या कहेंगे? अब देखिए बीजेपी वाला सोचे हम क्या बोल सकते हैं। हम तो एक ही बात बोले, लालू राबड़ी के समय काल में पटना में कांड होता था, गांव देहात में ऐसा कांड नहीं हुआ। ये तो एक तो एसपी आने से, भारतीय जनता पार्टी से तालमेल हुआ और गलत एसपी आ गया, एसपी के कारण ये दुर्व्यवहार हो गया। पूरे मामले में अब निकट जाएंगे, उस एसपी को भगाइए नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई क्या करेंगे, मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो? जब एमएलए नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, हम प्रखंड अध्यक्ष थे उस टाइम, 3 साल तक 96 विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं, बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे, वो मेरा तेवर रहा है। ऐसा तो राजनौबत आया कि 5-6 पत्रकार को भी मारा, हाँ माथा भांग दिया है, तो आखिर कहीं कहीं क्या करें? अरे आक्रोश में क्या करेगा भाई, पुलिस साजो। एक बात जानते हैं, एक बार एक तो एक तरफ भूमिहार था सैदपुर में, 3 टंगा का यादव लड़का सब घुस के बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, थाने में जाए, इनके यादव जीते, FIR लेवे नहीं करें। हमको बोला, हम बोले काम करो ऐसे नहीं होगा, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूक दो थाने में, फूक दिया, कुर्सी तोड़ दिया, 18 जवान को पकड़ लिया। हम गए धरना दे के, वहीं पर कोर्ट उतार के 14 आदमी को हम रिहा करवा दिए, जहाँ BOL केस चलता था अंग्रेज जमाने में, हम कोर्ट उतार दिए, हम लड़ाकू आदमी है, फाइटर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इस्तीफा